गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए दोस्तों, आज सुबह का वेदर चेक करिए आप, एकदम हरा भरा, ऊपर क्लाउड्स लगे हुए हैं, बीच बीच में जहाँ जहाँ बादल हटा हुआ है वहाँ ब्लू आसमान दिख रहा है। और यहाँ पे चार दिन से बारिश थी, कभी सुबह, कभी रात, कभी दोपहर, इस तरीके से। तो कल सबसे ज़्यादा बारिश थी, कल आफ्टरनून से बारिश स्टार्ट हो गई थी और पूरी रात थी। तो उससे मोहान में भी एक ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ है, जो मोहान तिराहा है वहाँ से राइट वाले रास्ते पे, रानीखेत वाले रास्ते पे ही, मोहान चौकी से मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं है, वो पास में ही है काफ़ी। तो वो ब्रिज पूरा ढह गया और आज आपको दिखाने की कोशिश करूँगा उस ब्रिज को कि किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। और आपको दिखा दूँ, सामने से बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। और ये जो पहाड़ जो आपको देख रहे हैं, ये भलौन से ऊपर के पहाड़ हैं। ये सामने बारिश है, जो ये दिख रहा है आपको वाइट वाइट सा, अभी तक नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले ही आया हुआ है। और ये देखिए, गांव है पूरा। और यहाँ पे जो ये जो टावर लगा हुआ है, ये वाला, ये BSNL का टावर है। तो थोड़ा बहुत BSNL यहाँ से काम करता है हमारे यहाँ पे। अभी इस नाले पे भी पानी चल रहा है, देखिए। तो अभी हम जा रहे हैं रिवर तक, और रिवर पे देखते हैं कितना ज़्यादा पानी चल रहा है अभी। ये आता है पनौर नाले का पानी। कल रात में अपने घर के छत से टॉर्च मार रहा था तो यहाँ तक पानी था, यहाँ तक। और मैं वहाँ से बराबर नज़र बना रहा था कि अगर पानी का ये वाला फ्लो अगर उधर तक जाता तो हम फिर यहाँ से चले जाते। और देखिए सामने, अगर यहाँ से टॉर्च मार रहा था मैं, तो रात को 12:30-1 बजे तक मैंने नज़र बनाई, उसके बाद पानी भी धीरे धीरे कम होने लग गया था, फिर हम बेफिक्र होकर सो गए। क्योंकि 2010 में वहाँ रिवर, जहाँ पहाड़ी है वहाँ से लेके और यहाँ तक, जो हमारे यहाँ बाउंड्री थी, यहाँ तक पूरा एक सार पानी हो गया था, पूरा ऐसा लगता था गोवा बीच पे। ये देखिए, जो पानी अभी गर्मियों में सूख चुका था वो पानी अभी भर के चल रहा है। और पानी का फ्लो ज़्यादा ही है अभी इस तरफ को। ये चेक करिए, ये जो पानी वहाँ से इधर को आ गया, इसने काम ख़राब कर रखा। अगर वो पानी वहीं से उस तरफ को रहता और पहाड़ी पहाड़ी जाता, सुंदरखाल को उसमें पानी से कोई दिक्कत नहीं थी। अभी बरसात के जो 3 महीने होते हैं वो बहुत डरावने होते हैं इस नदी को लेके। और कोसी नदी में तो कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे लगता है कि यार अब तो बरसात गई, अक्टूबर गया, बरसात गई, और अक्टूबर लास्ट में इसने ऐसी तबाही मचाई कि कई घर बह गए। यहाँ से पानी जो इस तरफ को आ रहा है, ये वाला, देखिए बारिश और तेज हो गई है, पहाड़ी किस तरफ काफी आ गई है। ये झरना है क्या?
झरना है भाई, क्या जबरदस्त है यार। बाइनोकुलर लगा के देखना पड़ेगा आज। सामने देखिए जैकल है और जैकल की पूरी फैमिली, और देखते हैं कि पानी कैसे पार करते हैं। ये तो बड़ी है और ये पीछे देख रही है, ये मुंह पे कुछ लेके, अच्छा बच्चे को लेके जा रहे हैं मुंह पे, नहीं कुछ खाने का आइटम है। चलिए दोस्तों अब मोहान तक जाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ है। और आज का भी मौसम बारिश का ही है, सुबह भी बारिश थी आपने देखा ही था। और आज का तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस और अभी मौसम दिखा ही रहा है बारिश का। ये जी पनौत नाला, पानी काफ़ी साफ है अभी। कोसी का पानी भर को खिरा गया रे, भवन खाल कितना गजब लग रहा है इस समय। किसकी गाय है भाई ये? लो जी पहुंच गए 0 पॉइंट,
और सामने का व्यू देखिए आप, क्या शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। सुनसान है सर, चलो वहाँ क्या कर रहे हैं आप? वो पत्थर फेंक रहे ना, मच्छी मार रहे हैं भाई। यहाँ पर बैठा हुआ था ऊपर टाइगर, ये 3-4 महीने पहले की बात है। हम उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं जहाँ पे ब्रिज टूटा हुआ है। ये मोहन है, मोहन का तिराह है। यहाँ से लेफ्ट एक मरचुला के लिए चला जाता है और राइट रानीखेत के लिए। तो ये रानीखेत वाली रोड पे ही ये हुआ है जो ब्रिज टूटा है। यहाँ हम गाड़ी लगा देते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं पैदल। उधर सामने मोहन चौकी और यहाँ पर मुश्किल से 50 मीटर 100 मीटर है, 50 मीटर करीब बस। तो ये कल क्षतिग्रस्त हो गया। सुन भाई जी, गार्डर इधर से कैसे जाएगा? बाद में बाहर से लिया ना, उसके बाहर लिया ना, नहीं इसके बाहर लिया, हमारा खत्म हो गया। इसका बैलेंस होगा अबे मैं जहाँ पर खत्म हो रहा था नीचे जो उस जैसे अपार्टमेंट दिया था ना, वहाँ पर और अपार्टमेंट की कमाई कितनी है वो नाम होगा। ये बड़े पत्थर आए हैं, ये बड़े बड़े पत्थर ये रूम के बराबर पत्थर लगी हुई है, पत्थर लगी पत्थर तो नहीं लगा। 100-125 साल चल गया, कम चल गया। दोस्तों अभी हैं मोहन में और ये जो आप देख रहे हैं बाउंड्री, ये गांव वालों ने बना रखा है। जो ऊपर से पानी आया तो ये उधर बस्ती के लिए ना बह के इस तरफ को उसका बहाव बनाया है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि कोसी रिवर पे कितना पानी चल रहा है अभी।
यहाँ इतना दलदल हो रहा है, चप्पल टूटने की डर लग रही। तरफ को बस्ती है और ये बस्ती काफ़ी आगे तक थी, वो तो 2010 में 2013 में बह गए। और ये पिलर बना रखे हैं यहाँ सेफ्टी के लिए। पानी का पूरा टक्कर है यहाँ पर, वो सामने कैम्बियन वाला एरिया आ जाता है। पानी का बहाव काफी तेज है। यह पूरी कोसी है, कोसी नदी और ब्रिज है ये वाला एरिया। देखिए मैं कहता हूँ ना कि भवनखाल आप जाएंगे तो गजब व्यू है, तो भवनखाल ये सामने जो ये दिख रहे क्लाउड्स के ऊपर भवनखाल है। अगर वहाँ खड़े होते हैं तो ये क्लाउड्स पूरे नीचे दिखते हैं, ऐसा लगता है कि अलग ही चादर से बिछी हुई है और आप ऊपर टॉप पे हैं। देखिए उधर चुकम विलेज है, वहाँ पर भी अभी हाल ही में नए पिलर बने हुए हैं रोकथाम के लिए, तो लोग वहाँ खड़े होके देख रहे हैं पानी का लेवल। अब अभी बरसात में क्या होता है कि वहाँ की कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है यहाँ से आने जाने के लिंक, तो लोग क्या करते हैं इधर से एक रास्ता जाता है पैदल पैदल 6 किलोमीटर ऊपर कुमेरिया के लिए, तो कुमेरिया से फिर बस पकड़ के फिर रामनगर अपना सामान वगैरह लेने आते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी तो है वहाँ पर, ये जो तार जा रही है ये पूरा पावर है वहाँ पर, पानी भी है और बिजली भी है, बस एक ही थोड़ा स्वास्थ्य और खाने पीने की दिक्कतें हो जाती है, तो इसलिए लोग अपना स्टोर करके रखे रहते हैं। बरसात के बाद नवंबर में यहाँ पे ब्रिज बनाते हैं गांव वाले, तो अभी हाल ही में ब्रिज हटा रखा है तो ये इसका सामान रखा हुआ है। चलते हैं यहाँ से। अब एक रिजॉर्ट बन रहा है यहाँ पर। चलिए जी जरा आगे पनाली नाले तक होके आते हैं, वहाँ का भी देखते हैं क्या नज़ारा चल रहा है अभी। कल ये नाला ओवरफ्लो था, तो आप देख रहे हैं सड़क के दोनों साइड में भी गड्ढे पड़े हैं, तो यहाँ तक पूरा पानी था इसमें। की बड़ी दिक्कत हो रही है, पाइपलाइन वगैरह बह गए थे तो अभी ये पाइपलाइन ऊपर ही ऊपर लेके आ रहे हैं इसको गांव वाले मिलके। चला जाएगा उधर, गड्ढा बहुत तगड़ा हो रहा है रे, ये पटाल भी बह गई है। यहाँ से बाहर था क्या पानी? प्लम्बर साहब आ रही। ओहो दीपना, कैमरा सीधा पकड़ कर। अभी मोहन के लिए पानी की बड़ी समस्या हो रही है, पाइपलाइन बह गई थी इनके यहाँ से, तो अभी सभी लोग मिलके खुद ही उसको सही कर रहे हैं। अभी पानी की लाइन ऊपर ऊपर डाल दी उन्होंने, मोहन का जो पानी यहाँ पर नीचे वाले साइड में पटाल बने हुए थे वो भी उखड़ के बह गए। आ रहा है इनका पानी।
ये सब गांव के लोग हैं तो यहाँ पे हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। डगवाल जी धन्यवाद, बढ़िया साहब बढ़िया। फॉरेस्ट वाले हाँ।